इंस्टेंट हांडवा बनाएंगे। इसके लिए हम बेटर पहले रेडी करेंगे। एक कप रवा लिया है, सोजी रवा। हाफ कप ओट्स लिया है, उसको मैंने थोड़ा क्रश करके लिया है। 1/3 कप बेसन लिया है। 2 टेबल स्पून राइस फ्लोर है, ये डाल देंगे। मिक्स करेंगे। टू फिफ्टी ग्राम लौकी को मैंने ग्रेट कर लिया है, ये डाल देंगे। हाफ कप मटर और स्वीट कॉर्न को मैंने बॉईल कर लिया है, ये डाल देंगे। हाफ कप दही डालेंगे, दही थोड़ा खट्टा लेना है। 1 टेबल स्पून गुड़ मैंने चॉप करके लिया है, ये डाल देंगे। मिक्स करेंगे। 2 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे, टेस्ट के हिसाब से डालना है। 2 टेबल स्पून पीनट्स को मैंने थोड़ा क्रश करके लिया है। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 1/2 टीस्पून गार्लिक पेस्ट है, 1 1/2 टीस्पून जिंजर पेस्ट, 2 टीस्पून ग्रीन चिली पेस्ट और 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है। ये सब हम डाल देंगे अंदर। मिक्स कर लेंगे। पानी डाल के हम बैटर बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करना है। बैटर में हमने 1 कप जितना पानी डाल दिया है। बैटर हमारा रेडी है। बैटर को बराबर मिक्स करना है ताकि गुड़ जो डाला है वो मेल्ट हो जाए। तीन टेबलस्पून तेल गरम करेंगे। वन टीस्पून राई डालेंगे। हाफ टी स्पून जीरा डालेंगे। 3 लौंग डालेंगे। 1 स्टिक दालचीनी। राई को क्रैकल होने देंगे। टू टीस्पून तिल डालेंगे। 2 गैस ऑफ कर देंगे और ढक्कन हम लगा देंगे। बैटर में हम 1 टीस्पून फ्रूट सॉल्ट डाल देंगे। मिक्स करेंगे। और इमीडिएटली हमने जो बघार रेडी किया है उसके अंदर डाल देंगे। गैस ऑन करेंगे। ये बघार जो है ऊपर हम थोड़ा ले लेंगे इस तरह से। ऊपर हम थोड़ा तेल डाल देंगे। 1/2 टीस्पून जितना तेल डालेंगे और ढक्कन बंद करके स्लो आंच पे 10 मिनट तक हम कुक करेंगे। 10 मिनट हमने स्लो आंच पे कुक किया है, अभी हम उसे फ्लिप करेंगे। एक डिश लेना है, उसको तेल से हमने ग्रीस कर लिया है और डिश को इसके ऊपर ऐसे रखना है। इस तरह से टर्न कर देंगे और एक स्पैचुला की सहायता से हम
इसे अंदर डाल देंगे। ढक्कन लगा के वापस हम उसे 7 से 8 मिनट कुक करेंगे। हांडवा हमारा रेडी है। हांडवा बराबर कुक हुआ है कि नहीं वो देखने के लिए टूथपिक अंदर लगा के देख लेना है। टूथपिक अगर क्लीन निकले तो हांडवा कुक हो गया है। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और सर्विंग डिश में निकालते हैं।